आज हम बनाना सीखेंगे अजवाइन के पत्तों वाला स्टीम्ड पोहा। अजवाइन के पत्तों वाला स्टीम्ड पोहा हमने राइस ब्रैन ऑयल का यूज़ करके बनाया है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अजवाइन के पत्ते कैसे होते हैं। ये अजवाइन के पत्ते देख लीजिए, ये इस तरह का होता है अजवाइन का पत्ता, जो चारों तरफ से कटिंग वाला होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और आप इसे घर में खुद उगा सकते हैं। अजवाइन के बीज ज़मीन में डाल करके मैंने खुद उगाया है। देखिए, ये मैं पत्ता गार्डन से लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर पत्ते हैं अजवाइन के और खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। इधर दूसरी तरफ हमने देखिए थोड़ा घी गरम कर रखा है, एक कढ़ाई में राइस ब्रैन ऑयल गरम कर रखा है और स्टीमर में हमने पोहा स्टीम करने के लिए रखा हुआ है। पोहा हमने स्टीम करने से पहले धोया है, वॉश किया है और उसमें थोड़ा सॉल्ट और हल्दी मिक्स की है। पोहे को 10 मिनट तक हमें स्टीम करना है। 10 मिनट तक स्टीम कर चुके हैं हम पोहे को। इसके बाद हमें देखिए पोहा जब तक स्टीम हो रहा है, हमारा राइस ब्रैन ऑयल जो है पक रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद हम राइस ब्रैन ऑयल में दूसरी तरफ हमने हरी मिर्ची काट रखी है और एक नींबू लिया है जो काट के हमने रखा हुआ है, पहले से ही काटा हुआ है। अजवाइन के पत्तों को हमने धो लिया है और राइस ब्रैन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा स्लो धीमी आंच पे गरम करेंगे, अदरवाइज़ इसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हम हर नाश्ते में आप जैसा हमेशा देखते चले आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है कि हम जो भी नाश्ता या जो भी रेसिपी तैयार करें वो हेल्दी हो। थोड़ा तेल पक चुका है, अब हमने इसमें सरसों के बीज डाले हैं। सरसों के काली वाली सरसों के बीज हमने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा सरसों के बीज जब चटक जाएं तो इसमें कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जो हमने पहले से काट रखी थी, ये अभी टैग नहीं किया था बता। देखिए हरी मिर्ची डाल दी, अजवाइन के पत्ते हमने धो के रख रखे हैं पहले से। अभी इसे हमने सीजर से काटना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा मोटा पत्तों को काट लेंगे। काटे हुए ये पत्ते जो हैं, देखिए एक हमने पत्ता जो है साबुत रख लिया है डेकोरेशन के लिए। थोड़ा ऊपर दिखाएंगे कि कैसे। फिर देखिए हमने अजवाइन के कटे हुए पत्तों को जो राइस ब्रैन ऑयल गर्म कर रखा था उसमें पोर कर दिया है, डाल दिया है देखिए। और ये हमारा एक तरफ पोहा जो है वो भी 10 मिनट तक स्टीम हो करके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे कि ये जो अभी हमारा तैयार हो गया है, जो अजवाइन के पत्तों वाला प्रिपरेशन जो हमने किया था अलग से, इसे हम पहले हमारे पोहे को हटाते हुए हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। किसी भी एक प्लेट में हम शिफ्ट करेंगे। देखिए एक हमने प्लेट ली है और ध्यान रहे कि जो गर्म होता है स्टीमर तो बहुत ध्यान से उस पोहे को बाहर निकालें, अदरवाइज़ हाथ चलने का भय रहता है। तो हमने अपने स्टीमर से पोहा बाहर निकाल लिया है और हम एक प्लेट में पोहे को शिफ्ट करेंगे। प्लेट में पोहे को शिफ्ट करते हुए देखिए नाश्ता प्लेट दे दे छोटी। इसमें हमने हल्दी और नमक पहले से डाला हुआ था, दोबारा से हल्दी और नमक का यूज़ नहीं करना है। ध्यान रखना है इस बात का, खास ध्यान रखना है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने पहले से इसमें नमक और सब मिक्स कर रखा था। तो देखिए हमने फिर अजवाइन के पत्ते और सब इस पोहे में मिक्स करके और ये हमने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह से हमारा जो है
अच्छा सा एक अजवाइन के पत्तों वाला हेल्दी राइस ब्रैन ऑयल के साथ जो पोहा है स्टीम्ड है, तो ये तैयार हो गया है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर